शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन की पहली नगर परिषद में मास्टर स्ट्रोक नगर पालिका के प्रत्येक वार्ड में 10 लाख का काम होगा। सभी पार्षद एक परिवार है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। शिवपुरी जिले के नगर पालिका में आज परिषद की बैठक की गई, जिसमें शिवपुरी से भारतीय जनता पार्टी से विधायक देवेंद्र जैन पहली बार नगर परिषद की बैठक में हुए शामिल। और उन्होंने कहा कि प्रत्येक पार्षद एक परिवार है और किसी भी पार्षद, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे निर्दलीय, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 39 वार्ड में से हर वार्ड में 10 लाख का काम किया जाएगा, ये प्राथमिकता रहेगी। इसके बाद पेयजल की समस्या को भी दूर किया जाएगा। देवेंद्र जैन ने कहा कि पेयजल की समस्या को शहरी क्षेत्र से दूर किया जाएगा, साथ ही जो अन्य वार्ड जो शहरी क्षेत्र से थोड़ा दूर हैं उन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। थीम रोड के सौंदर्यीकरण का पैसा जो नगर पालिका से लगा है उसका फंड अभी भोपाल से आया है नहीं है, उस फंड को भी लाने की पूरी कोशिश की जाएगी, जिसे नगरपालिका क्षेत्र के हर वार्ड में काम कराया जा सके। देवेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से उनकी चर्चा हुई थी और विकास के मुद्दों पर उन्होंने बात की थी। आपकी पहली बैठक थी और जैसा आपने बताया कि 40 साल बाद आप पहले पार्षद रहे और फिर इसके बाद इसी हॉल में आप एज ए विधायक शामिल हुए, तो आज की बैठक में क्या मुद्दों पर बात हुई और क्या आपने मार्गदर्शन दिया? बैठक क्या, मैं तो सब जानता हूँ कि देवेंद्र जैन का परिवार है। 40 साल पहले मैं पार्षद के रूप में बैठता था, आज पदेन सदस्य के रूप में उपस्थित रहा। हमारे सभी पार्षद भाई बहनों को ये समझाने का प्रयत्न किया कि शिवपुरी नगर अपना एक पूरा परिवार है और आप सब 39 और देवेंद्र जैन मिला के 40 लोगों का उद्देश्य एक है, शिवपुरी क्षेत्र का विकास और यहाँ के लोगों की समस्याओं से छुटकारा दिलाना, सबका उद्देश्य एक है। सोच या रास्ते थोड़ा अंतर हो सकता है, तो अपन सामंजस्य सद्भाव से उसको हल करें और शिवपुरी के विकास में सभी लोग एक साथ जुट जाएं। मैंने अपने ओर से इतना भी आग्रह किया कि मैं कभी भी चुनाव के बाद दलगत राजनीति नहीं करता। क्षेत्र के विकास के लिए कांग्रेस के लोग हों, निर्दलीय हों, भारतीय जनता पार्टी के हों या अन्य दल के, हम सब शिवपुरी के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। तो मुझसे कोई भी व्यक्ति कभी भी कोई भी काम के लिए 24 घंटे आ सकता है, कह सकता है, बता सकता है। मैंने कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी से बात की, क्षेत्र के विकास के लिए फंड्स की कमी है, तय कर लेंगे, पार्टी तय कर लेंगे, कुछ मुझको प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है। उसी तारतम्य में मैंने आज 39 पार्षदों से ये कहा कि अपने अपने विकास वार्ड में विकास के लिए 10-10 लाख रुपए के प्रस्ताव, जो तुम्हारे वार्ड में आवश्यक काम है उस काम के लिए, जो बहुत आवश्यक है उसके लिए आज ही मुझको देने का कष्ट कर। नहीं, जो नगर पालिका जिस कंडीशन से दौर से गुजर रही है, एक आर्थिक स्थिति कमजोर है नगर पालिका, क्योंकि सबसे बड़ा फंड कहीं और पेमेंट कर दिया गया, ऐसे में फंडिंग को लेकर जो पूर्व सीएम ने घोषणा की थी 8 करोड़ रुपए सौंदर्यीकरण के नाम पर देने की, उस घोषणा का उस बजट को लाने के लिए प्रयास आपके दल के कहीं के विकास को रोका ही है। बिल्कुल, जो वो आप तय कर ले, विद्युत के लिए ही था वो, नहीं सौंदर्यीकरण सौंदर्यीकरण को था, ये आपका पार्क वगैरह, मैं समझ गया, मैं मंच पर था जी, क्योंकि सीएम भी बदल गए, कोई दिक्कत नहीं है। घोषणा तो सरकार तो वही है और मुख्यमंत्री की जो घोषणा होती है वो मैं जहाँ तक समझता हूँ वो एक कानून है। अभी तो एक ही दल की मुख्यमंत्री पहले थे और आज है, यदि दूसरे दल का भी हो जाए तो नियमानुसार कानूनन वो घोषणा माने कानून, उसकी पूर्ति अपन करेंगे, करवाएंगे। आपने अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश किया, अगर आपके द्वारा अगर काम नहीं करते तो अल्टीमेटम क्या रहेगा, आप क्या कार्रवाई करोगे? आप जी जानते हैं कि विधायक के अधिकार क्षेत्र में उनको पनिशमेंट करने का कोई अधिकार है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विधायक के पास ऐसा कोई हथियार नहीं होता कि मैं उनको दंडित कर सकूं। तो फिर आपकी बात मानेंगे नहीं, बैठक की कार्रवाई शुरू की जाए, चलो अभी बैठ जाए।